हरिओम आप सभी को। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज जैसे मैंने आपको बताया था, 14 तारीख है, 14 दिसंबर है, और आज से श्रीमद् भागवत महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है आनंद नगर पटियाला क्षेत्र में। तो इस समय अभी हमने तैयारी कर ली है अपने व्यासपीठ के लिए। तो इस समय अभी हम कलश यात्रा के लिए चलेंगे। कलश यात्रा के उपरांत फिर कथा का वाचन होगा। वैसे समय 3-3:30 बजे का है, क्योंकि आज प्रथम दिवस है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। तो सारी जो भी व्यवस्थाएं हैं सब चल रही हैं। माताएं बहनें जो भी हैं कलश के लिए तैयार हो रही हैं। मैं अभी आपको छवि दिखाने का प्रयास करूंगा किस तरह से माताओं ने कलश यात्रा करी है। तो आज का व्लॉग बहुत ही सुंदर है। तो आज के इस व्लॉग में आपको हमारी जो पहाड़ की परंपराएं हैं वह भी अवश्य दिखाई देंगी, अवश्य देखने का प्रयास कीजिएगा। आइए देखते हैं हमारी माताएं किस प्रकार से कलश यात्रा की तैयारियां कर रही हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कभी फूटता नहीं है। अब जीवन बहुत हो गया है, संसार के साथ आकर शिव बहुत कर लिया, खूब कमा लिया है हमने। अब धीरे धीरे भगवान से भी जुड़ने का प्रयास करो। घर का भी काम चलाओ, बच्चों को भी चलाओ, परिवार को चलाओ, लेकिन सब कुछ चलाते चलाते अब थोड़ी सी अपनी ध्यान मुद्रा को भगवान से भी जोड़ते रहो, क्योंकि अंत का सत्य केवल भगवान है। ये चिंतन करना चाहिए, जब सत्य भगवान को मानकर उसका चिंतन करते हो तब आप तीसरी स्टेज में पहुंचते हो जिसका नाम है आनंद। ओ मेरी माँ, आज संसार में व्यक्ति क्या चाहता है? जोर से बोलो। ओ माँ जरा बोलो तो सही, संसार में आज व्यक्ति क्या चाहता है? आनंद चाहता है। अच्छा, अब व्यक्ति चाहता है कि मुझे मिले आनंद, लेकिन आनंद मिलेगा कहाँ? बोलो जरा। हाँ, किधर मिलेगा आनंद मैया? मकान में, दुकान में, घर में, संसार में, बीवी में, बच्चों में, सैया में, वस्तु में, धन में, आनंद मिलेगा कहाँ? आनंद की खोज कर रहे हैं व्यक्ति। आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, आनंद मिल जाए, लेकिन आनंद नहीं मिलता, सुख मिलता है। और व्यक्ति को लगता है जो सुख है वही आनंद है। नहीं 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 मेरे माँ, थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या? बहुत बड़ा अंतर है। सुख और आनंद में बड़ा अंतर होता है मेरी माँ। आप कभी कभी अपने सुख को अपना आनंद समझ लेते हो? नहीं, सुख और आनंद में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि सुख आपको संसार की वस्तु से मिलता है। आपके पास पैसा है, आपने सोने के लिए अच्छा सा गद्दा बता लिया, आपको सुख मिल गया। गर्मी लगी थी, आपने एसी मंगवा लिया, आपको गर्मी से निजात मिल गई, सुख मिल गया। आपको लगा कि ये गहना मुझे अपने गले में पहनना है, आपने पैसा खर्च किया, वो गहना पहनकर आपको सुख मिल गया, लेकिन वो सुख परमानेंट नहीं है। वो सुख इस तरह नहीं है, वो सुख आएगा जाएगा, बदल जाएगा। देखो, शरीर का स्वभाव होता है सुख के साथ जुड़ना, दुख के साथ जुड़ना। कुछ पूर्व जनित कर्मों के माध्यम से आपको सुख मिलता है, कुछ स्वजनित कर्मों के माध्यम से आपको सुख दुख मिलता है। सुख आएगा जाएगा, सुख में परिवर्तन होता रहता है, इसलिए सुख आनंद नहीं है। सुख केवल वस्तु में है, संसार की वस्तु है। कभी कभी व्यक्ति खाता है, डकार मारता, बोले वाह आनंद आ गया। नहीं, आनंद नहीं आया। आनंद भोजन से नहीं आता साहब। अगर आनंद भोजन से आता तो एक लड्डू को आप एक बार खाओगे, एक लड्डू को दो बार खाओगे, एक लड्डू को तीन बार खा लोगे, चौथी बार तो नहीं खाओगे ना। अब किसी लड़के की शादी होती है, उसका मुख लोग मीठा करवाते हैं, अब वो बेचारा बर्फी कितना खा लेगा मीठा? हाँ, एक बारी में तो खाने का आनंद ले लो, जो शादी का लड्डू है जम खा लो, लेकिन उसके बारे में
एक बार खा लेगा, दो बार खा लेगा, तीसरी बार उसके बाद बोलेगा बस करो भैया अब हम चाहते हैं। अभी तक तो खाने में सुख आ रहा था, लेकिन हम जब ज्यादा ओवर हो गया तो भैया वो सुख अब देखो परेशानी ना बदल। मेरा कहने का दादा छू मेरी मैया ये है कि जिस सुख को तुम आनंद समझ रहे हो वो सुख आनंद नहीं है, केवल क्षणिक है, आज का है कल का नहीं पता। आपको क्या पता है कि जो आज तुम सुखी हो तो कल भी सुखी रहोगे। जब ये शरीर परमानेंट नहीं है, जब इस शरीर का स्थायीपन नहीं है तो सुख का स्थायीपन कैसे हो सकता है मेरे माँ। सुख और दुख ये संसार के दो वो पगडंडियां है जो आएंगी और जाएंगी। सुख को कभी आनंद मत समझिएगा और आनंद को सुख मत समझिएगा। सुख की पराकाष्ठा है वस्तु के साथ जुड़ गई, लेकिन आनंद वस्तु के साथ नहीं होता, आनंद व्यक्ति से नहीं जुड़ता, आनंद संसार का विषय नहीं है, आनंद आत्मा का विषय है। सुख शरीर को मिलता है लेकिन आनंद आत्मा को मिलता है, और यही तो सुखम, यही तो आनंद हमको आत्मा से जुड़ना है। सब कुछ होने के बाद भी व्यक्ति आत्मा कहता है ना जाने भैया खाली खाली से रहते हैं, सब कुछ कमा लिया, सब कुछ जोड़ लिया, सब कुछ है, बच्चे सेटल हो गए हैं, सब बढ़िया हो गया, लेकिन फिर भी